हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप मारुति ईको लेने जा रहे हो गाड़ी, तो आपको इसमें कितना इसका प्राइस चल रहा है और कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी होगी। और अगर आप कार लोन लेने जा रहे हो तो कौन सी बैंक से आपको कार लोन लेना चाहिए, कौन सी बैंक है जो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है वो कार लोन प्रोवाइड कर रही है, तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका ऑन रोड प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं मारुति ईको। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस है, जो इसका सबसे बेस मॉडल है, जो इसका टॉप सेलिंग मॉडल भी है इतने समय, 5 सीटर STD पेट्रोल से है। तो इसका एक्स शोरूम प्राइस जो होगा वो होगा 4,63,200 रुपये। RTO के चार्जेस यहाँ लगेंगे 19,358 रुपये। इंश्योरेंस चार्जेस जो होंगे वो 29,322 रुपये होंगे। अदर्स चार्जेस कुछ होंगे 5,385 रुपये होंगे। ऑप्शनल चार्जेस होंगे 8,867। तो ऑन रोड प्राइस ये दिल्ली के हिसाब से जो बनेगा वो बनेगा 5,17,265। अगर आप किसी और सिटी में रहते हो तो उस सिटी का आप देख लीजिएगा, सबके अलग अलग होते हैं। किसी के RTO चार्जेस कम हो जाते हैं, किसी के इंश्योरेंस चार्जेस कम हो जाते हैं, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। तो ये मान लीजिए ऑन रोड प्राइस पड़ा जो 5,17,000। तो अब हम जो इसमें मिनिमम जो है डाउन पेमेंट कर सकते हैं, वो आपको 10% तो मिनिमम करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा डाउन पेमेंट करते हो तो हम चलते हैं अपने डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। तो मान लीजिए आप जो है यहाँ पे 80,000 रुपये की जो है डाउन पेमेंट करते हो, मान लीजिए, तो आपको जो लोन लेना पड़ेगा वो लोन लेना पड़ेगा आपको 4,37,265 रुपये। इतने का हम लोन लेना पड़ेगा। अब हम अपने मंथली जो EMI बनेगा वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं बेस्ट EMI कैलकुलेटर पर। यहाँ पे चलते हैं कार लोन के सेक्शन पे और यहाँ पे डालते हैं अपना अमाउंट। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाली है 4,37,265 रुपये। आप लोन ले सकते हो इंटरेस्ट रेट। अब हम कुछ टॉप बैंक्स होती हैं जो उनके इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं। के लिए आप चलते हैं यहाँ पे, जो इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग होती है अगर आप नई कार लेने जा रहे हो तो 7.25 से स्टार्टिंग होगी और 14% के आसपास इंटरेस्ट रेट की स्लैब दी हुई है। इसी के बीच में जो है आपको कार लोन मिल जाएगा, ज़्यादातर बैंकें इन्हीं के बीच में आपको प्रोवाइड कर देंगी। लोन टेन्योर जो है आप 7 साल के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस आपकी स्टार्टिंग होगी 0.20% से आपके लोन अमाउंट का। लोन अमाउंट जो है आपको ज़्यादातर बैंकें 100% जो है एक्स शोरूम प्राइस पे यहाँ पे अप्रूव कर देती हैं। प्री पेमेंट चार्जेस अगर टाइम से पहले आप लोन करते हो, पूरा करते हो, तो 0.5% से 5% का आपको जो है यहाँ पे चार्जेस देने पड़ सकते हैं। अब हम इंटरेस्ट रेट की बात कर लेते हैं। जो एक्सिस बैंक है 8.50 से स्टार्टिंग होगी, बैंक ऑफ बड़ौदा 7.35 से होगी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7.70 से होगी, केनरा बैंक 7.30 से होगी, सेंट्रल बैंक 7.25 से होगी, HDFC 8.80, ICICI 8.82 और यहाँ पे और भी पंजाब नेशनल बैंक 9.40, स्टेट बैंक 7.95। तो लगभग जो ज़्यादातर बैंकें हैं वो 8% से ऊपर ही आपको लगभग लगेगा यहाँ पे कार लोन पे इंटरेस्ट रेट। तो इसके लिए जो है आपका सिविल स्कोर भी है जो अच्छा होना चाहिए। अगर 750 के अबव है अगर आपका सिविल स्कोर है तो बैंक अपना जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उस पर आपको कार लोन प्रोवाइड कर देंगी। तो मैंने इंटरेस्ट रेट मान लिया यहाँ पे 8% के अराउंड, आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो 8% के अराउंड मिल जाएगा। और यहाँ पे आप मैक्सिमम 7 साल के लिए है जो ले सकते हो। तो मैंने अभी के लिए मान लिया कि 5 साल के लिए आप ले रहे हो, तो 5 साल टेन्योर सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे नीचे चलेंगे तो आपका देखिए मंथली EMI कैलकुलेट हो जाएगा। मंथली EMI आपका बनेगा 8,866। टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 94,704 रुपये। टोटल पेमेंट आपको बैंक को करनी होगी 5,31,969 रुपये। फिर यहाँ पे आप जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट है आप परसेंटेज में होगा 82.2%। टोटल इंटरेस्ट जो होगा वो आपका होगा 17.8%। फिर नीचे आइएगा तो यहाँ पे आप अपना EMI सेलेक्ट कर सकते हो कि कब से आपकी स्टार्ट हो रही है। तो मान लीजिए जुलाई महीने से जो है आपकी फर्स्ट EMI चालू हो रही है। यहाँ ग्राफ के माध्यम से आप काफ़ी डिटेल में देख सकते हो कि 2022 में आप कितना प्रिंसिपल चुकाओगे। तो यहाँ पे 36,306 रुपये आपका हो जाएगा। इंटरेस्ट आपका 16,890 हो जाएगा। और टोटल पेमेंट जो आपको 2022 में जुलाई महीने से दिसंबर महीने के बीच में करनी होगी वो करनी होगी 53,196 रुपये। ऐसे आप 2023 का चेक कर सकते हो, आपका क्या प्रिंसिपल बन रहा है, क्या इंटरेस्ट बन रहा है। ऐसे आने वाले जितने सालों के लिए भी आप ले रहे हो यहाँ से डिटेल में आपका दिख जाएगा। फिर आप नीचे आएगा तो यहाँ पे अपना ईयरली और मंथली वाइज जो है वो डिटेल में अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जुलाई महीने में जो आपका प्रिंसिपल बनेगा वो बनेगा 5,951, इंटरेस्ट बनेगा 2,915 और टोटल पेमेंट आपको करनी होगी 8,866 रुपये। तो बैलेंस जो आपका बचेगा, तो आपका बचेगा 4,31,313 5,951 लेस होने के बाद।
तो ऐसे ही आप हर ईयर का जो है, हर किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके इसको जरा सा चेकआउट ज़रूर करिएगा। अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं, इसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। यहाँ पे आपको सारे बैंकों के इंपॉर्टेंट होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, और कुछ डिस्काउंट ऑफर वगैरह अगर चल रहे होंगे तो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे मैं किसी भी गया SBI होम लोन में गया है मान लीजिए, तो यहाँ पर आप सर्च बॉक्स में भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ जो है मैंने SBI डाला, देखिए यहाँ पर कार लोन के सेक्शन, टू व्हीलर सबके सेक्शन खुल गया। तो यहाँ पर कार लोन का जैसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ पर देखिएगा आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे और डिस्काउंट ऑफर वगैरह अगर बैंक लॉन्च करती है तो भी आपको यहां से मिल जाएंगे। तो इस साइट का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके इसको चेकआउट जरूर करिएगा। अब हम चलते हैं अपने डाउन पेमेंट कैलकुलेटर पर। तो यहाँ पे डाउन पेमेंट जो है अब हम बढ़ा के देते हैं। मान लीजिए जो है आप 1.5 लाख की डाउन पेमेंट करते हो, तो जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउन पेमेंट आप करोगे तो उतना ही आपको आसानी रहेगी, आपका इंटरेस्ट रेट भी कम आपको देना पड़ेगा और आपको लोन भी जो है वो कम देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आप लेना पड़ेगा आपको 3,67,265 रुपये जो है वो आपको लोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लोन का अमाउंट डाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर आप चाहो तो 4 साल कर सकते हो। तो मान लीजिए अब देखिए आपका जो मंथली EMI बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 8,966, इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको 63,104, और टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी वो करनी होगी 4,30,369 रुपये। तो ऐसे ही आप यहाँ से डाउन पेमेंट कैलकुलेटर से अपना यहाँ से चेक कर सकते हो ये मंथली EMI। अब हम एक और कंडीशन लेते हैं, अगर आप मैक्सिमम जो है 3 लाख की जो है मान लीजिए आप डाउन पेमेंट करते हो, तो 3 लाख की अगर आप डाउन पेमेंट करते हो तो आपको कितना लोन लेना पड़ेगा ये हम देख लेते हैं। तो आपको लोन लेना पड़ेगा लगभग 2,70,265 रुपये, ये आपको लोन लेना पड़ेगा। तो अब यही हम अमाउंट डाल के यहाँ से देख लेते हैं। तो ये हमने अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टेन्योर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो चाहो घटा सकते हो। तो यहाँ से जो मंथली EMI आपका देखिए बनेगा 5,304 रुपये बनेगा। इंटरेस्ट देखिए आपको कितना कम देना पड़ेगा 37,331, टोटल पेमेंट आपको वापस करनी होगी 2,54,596 रुपये। तो ऐसे ही आप अपना यहाँ से डिटेल में जो है चेक कर सकते हो, कितना भी आप लोन अमाउंट ले रहे हो, बस आपको यहाँ पे अमाउंट इंटरेस्ट रेट देखना होगा कि कौन सी बैंक आपको सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर जो है कार लोन प्रोवाइड करेगी। तो उसी से आप अगर कार लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट लीजिए, और टेन्योर अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप 4 साल के लिए ले रहे हो, 5 साल मैक्सिमम, आप 7 साल के लिए जो है वो कार लोन का जो है ले सकते हो। तो इस साइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाके इसको चेकआउट ज़रूर करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आगे आप किस गाड़ी के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, कितनी आपको कि अगर आप कोई गाड़ी का आपको नाम बताते हो तो हम आपको बताएंगे उसमें कितनी आप मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो, क्या जो है उसका मंथली EMI बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।